अमीनाबाद पुलिस स्टेशन के बाहर मचा बवाल, दो गाड़ियों की टक्कर ने किया हर किसी को परेशान। देखिए इन मैडम और सर को जो आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। ओ पागल आदमी, दिखाई नहीं देता क्या? मेरी गाड़ी ठोक दी तूने। मैडम देखिए, गलत तरीके से आप चला रही थी, आपकी गलती है। हे भोलेनाथ, पूरे का पूरा बम्पर मार आ गया गाड़ी का। चल अभी मेरे नुकसान के पैसे निकाल। चल भाई, इन दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। दोनों गाड़ियों की टक्कर होने का इल्जाम एक दूसरे पर लगाते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, मैडम ने तो सर का फोन भी छीन लिया है और थाने के टेबल पर खड़े होकर बवाल भी मचा दिया है। सॉरी मैडम, अगर इस आदमी ने अपनी गलती मानी नहीं और मेरे नुकसान के पैसे नहीं भरे ना, तो मैं इसका फोन तोड़ दूंगा। बस फिर क्या, मैडम की हरकतों को देख गर्म मिजाज इंस्पेक्टर साहिबा करिश्मा जी का दिमाग खराब हो जाता है और सारा गुस्सा इन मोहतरमा पर फूट जाता है। एक तो थाने के बेंच पे चढ़ के हमको ही धमका रही हो, एक लपड़ मारेंगे मुंह से, एक कोई बात निकलेगी। जानी दरोगा बहुत से देखे लेकिन तुम सा नहीं देखा। हेड कांस्टेबल भी मोहतरमा को लाख समझाने की कोशिश करती है लेकिन मोहतरमा कहाँ किसी की सुनने वाली है। देखो पुलिस स्टेशन के सामने तमाशा मत करो और हमको तुमके जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच होती है SHO मैडम हसीना की एंट्री। हसीना के समझाने पर ये मोहतरमा टेबल से तो उतर गई लेकिन इन मोहतरमा के असली मालिक ने पुलिस स्टेशन में मोहतरमा की ही जमकर क्लास लगा दी। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हें नौकरी पे रख लिया। लोगों ने मना किया था, मुझे कहा था कि औरत को नौकरी पे मत रखो, ड्राइवर मत रखो, औरतें अच्छी ड्राइवर नहीं होती, लेकिन मैंने किसी की बात मानी नहीं, रख लिया तुम्हें। अभी देखो क्या हालत कर दी मेरी गाड़ी की। ओ जनाब, ने तो सरेआम औरतों को बैड ड्राइवर बता दिया है। आखिर ये पूरा माजरा है क्या? चलिए हम कांस्टेबल संतोष से ही जान लेते हैं। तो आज हम ये कर रहे हैं कि एक नई स्टोरी आई है मैडम सर के थाने में कि विमेन जो है वो बहुत ही बैड ड्राइवर्स होती है, बट ये गलत है। तो अभी हम यही सीन कर रहे थे कि कैसे जो मेंस इनकी मेंटालिटी ऐसी है कि विमेन हमेशा, जितनी भी विमेन से सारी गंदी ड्राइविंग करती है। तो वो एक केस आया हमारे पास कि लड़की ने, जो औरत है, उन्होंने गाड़ी ठोक दी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो हम वो रॉन्ग प्रूफ करने के लिए हमने पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग किया है और वही हसीना मैडम जो है वो सॉल्व कर रही है केस। वैसे संतोष जी, हमने देखा कि बाहर बहुत सारे गवाह भी खड़े हैं, तो आखिर गवाहों का क्या कहना है? गाड़ी की टक्कर होने के पीछे असली गुनहगार कौन है? क्योंकि जितने भी गवाह हैं हमारे बाहर, वो थोड़े कम दिमाग वाले हैं। उनकी मेंटालिटी भी ऐसी है कि जो औरतें होती है वो गंदी ड्राइविंग करती है, इसलिए उन्होंने तो सीधा पॉइंट कर दिया कि यही औरत है जिसने गाड़ी गलत चलाई है और उसी की वजह से गाड़ी को नुकसान हुआ है। तो वो भी हमारे कम दिमाग वाले ही हैं। वेल, ये सिचुएशन तो अभी आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही है और गवाहों ने भी अपनी अपनी बातें रखनी शुरू कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हसीना मैडम और उनकी टीम इस केस को कैसे सॉल्व करती है और लास्ट में किसकी गलती निकल कर सामने आती है। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।